हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी फ्रॉम सुभाषीष पानी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स को स्टॉक्स में टेस्ट किया था। यस, आई अंडरस्टैंड, मैं आज तक वीडियो में इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा था। इट्स सुभाषीष पानी, राइट? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इस बार तो मैंने सही से प्रोनाउंस किया ना, या वापस गलत प्रोनाउंस किया। लास्ट टाइम इनका जो रिजल्ट था वो ठीक ही था। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का उसे ज़रूर चेकआउट करना। इनके जनरली सभी स्ट्रैटेजी डिमांड में ही रहते हैं, और लास्ट वीडियो देख के भी लोगों ने हमको बोला कि इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी टेस्ट कीजिए। सो हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल सी दिस स्ट्रैटेजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रैटेजी गोज टू सुभाषीष पानी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स, हु हैज़ अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 15K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई मैं थक गया बोल के, जल्दी कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रैटेजी सीरीज, वेयर वी टेस्ट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रैटेजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे इज गोइंग टू बी एन अपडेट वीडियो फॉर बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने स्टॉक मार्केट समिट जो रिसेंटली दिल्ली में हुआ था वहाँ शेयर किया था, और उसका वीडियो पुष्पर राज ठाकुर जी के चैनल पे पोस्ट किया है। अगर आपको स्ट्रैटेजी का और कंटेक्स्ट चाहिए तो मेरा लास्ट वाला वीडियो देखना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के वीडियो पे चलते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में टेस्ट करेंगे। सिंस ये एक इंडेक्स स्ट्रैटेजी है तो आप जानते हो कि हम इंडेक्स स्ट्रैटेजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। आप उसका रिजल्ट देख के आइडिया लगा सकते हो कि ऑप्शन में कैसे काम करेगा। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, जहां हम बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड बाय सुभाषीष पानी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। इधर ऊपर लेफ्ट साइड में क्लिक करके निफ्टी या बैंक निफ्टी को प्लॉट करेंगे। फिर इसके बाद सेम लास्ट टाइम जैसा हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स रखेंगे। अब ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को 20 कर देंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1.5 रखेंगे। लास्ट टाइम हमने रूल्स मॉडिफाई किए थे तो उसे ही हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में माइनर ट्विक करके यूज़ करेंगे। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। फर्स्ट, कैंडल हाई शुड बी बिलो द लोअर बैंड। एज पर रूल ये कहता है कि अगर आपका नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाता है तो वो हमारे लिए नया अलर्ट कैंडल बन जाएगा। इस केस में देखिए, सबसे पहला ये वाला अलर्ट कैंडल बना था बट नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो हमारे लिए ये नया अलर्ट कैंडल है। बट नेक्स्ट कैंडल इसका भी हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो हमारे लिए अभी ये थर्ड अलर्ट कैंडल है। तो हम जैसे ही ये अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा वहाँ पर एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस उन्होंने अपनी वीडियो में सीधा सीधा बोल दिया कि आपको लो रखना है, बट आप जानते हो मेजॉरिटी जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो मैक्स निफ्टी में 75 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट तक रख सकते हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि वो 200 से 300 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। बट एक प्रीवियस वीडियो कंश्याम टेक का एक्सपीरियंस और आपके कमेंट्स देखने के बाद मुझे समझा कि हम उतना हाई स्टॉप लॉस रख के और उसे टेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। वो उतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं बट एक एवरेज ट्रेडर उतना रिस्क नहीं लेता है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस में एक मॉडिफिकेशन किया है। स्टॉप लॉस सेम बिलो द लोवेस्ट लो ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स, बट निफ्टी का केस रहेगा तो हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स का लेंगे, और बैंक निफ्टी रहेगा तो हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स का लेंगे। अगर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम उस ट्रेड में एंट्री ही नहीं लेंगे। यहाँ बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है तो ये स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स के नीचे है तो हमने इसलिए एंट्री लिया, और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन। आई होप किसी को इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैंडल कम्प्लीटली बॉलिंजर बैंड के नीचे है तो इसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस लोएस्ट लो ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स, यहाँ एक ही अलर्ट कैंडल है तो इसके लिए इसी का लो रहेगा, और ये स्टॉप लॉस जो है ना और वो 75 पॉइंट्स के नीचे है तो निफ्टी के केस में वो ठीक है, और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जाम्पल वॉज ऑल्सो अ विन। चलिए आई होप बाय रूल्स क्लियर है। वैसे ही सेल रूल्स भी देख लेते हैं। कैंडल लो शुड बी अबाउ द अपर बैंड, मतलब जो कैंडल रहेगा ना पूरा कंप्लीटली अपर बैंड के ऊपर होना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमारे लिए वो नया अलर्ट कैंडल बन जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारे लिए नया अलर्ट कैंडल है,
एंट्री वुड बी बिलो द लो ऑफ द लेटेस्ट अलर्ट कैंडल. स्टॉप लॉस इसमें भी सेम, अबाउ द हाइएस्ट हाई ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स. फॉर निफ्टी इट वुड बी मैक्स 75 पॉइंट्स एंड फॉर बैंक निफ्टी इट वुड बी मैक्स 150 पॉइंट्स. अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस हुआ तो हम एंट्री नहीं लेंगे और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन. चलिए इसका भी एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यह देखिए, या ये कैंडल कम्प्लीटली बॉलिंजर बैंड के ऊपर है तो हम इसके लो के नीचे एंट्री लेंगे. स्टॉप लॉस लेटेस्ट हाई ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स. सिंस ये बैंक निफ्टी है और यहाँ पर स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स के नीचे है तो चल जाएगा. और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन. चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है. आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो. एंड आई हाईली रिकमेंड मेरा लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको डिटेल में जानना है इस स्ट्रैटेजी के बारे में. तो इस स्ट्रैटेजी को हम टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे. आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट. चलिए रिजल्ट देखते हैं. सो द टेस्ट आर ओवर. जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से सिर्फ 16 आर विन एंड 84 वॉज लॉस. सो विन रेट हुआ 16%. टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज -24.84% और मैक्स ड्रॉडाउन इज अ वॉपिंग -60.297%. कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 3 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 27. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 2.827 मंथ्स. सो जैसे आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है. इनफैक्ट लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है ये. अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को लास्ट 3 मंथ में यूज़ किया होता निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपको -24.84% का लॉस हुआ होता और मैक्स ड्रॉडाउन इज एज हाई एज -60.29%. ये सब रिजल्ट तब है जब हम ब्रोकरेज कंसिडर नहीं कर रहे. अगर वो कंसिडर किया तो रिजल्ट और ख़राब हो जाएगा. जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो, आपको कंटिन्यूस 27 टाइम्स स्टॉप लॉस हिट हुआ है. दिस हैज़ टू बी द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी ऑन आर चैनल. मुझे पता है कि मुझे कमेंट में गाली पड़ सकती है बट ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है. नो डाउट फ्यूचर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड और 100 टेस्ट इनफ नहीं होता है. बट मुझे एक चीज़ बताइए, आप ऐसी स्ट्रैटेजी कभी ट्रेड कर सकते हो जिसका ड्रॉडाउन लास्ट 3 महीने में -60.29% था? फ्यूचर टेस्टिंग का कोई पर्पस है क्या इसका? नहीं, राइट? 5 AMA का रिजल्ट इससे लाख गुना अच्छा था. और बहुत लोग कमेंट में बोल रहे थे कि ये वाली जो बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी है ना, उन्होंने कोई यूट्यूबर से कॉपी किया है. अब उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ. बट आई वुड सजेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी. काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मार्केट में, आप वो यूज़ करिए, इससे बेटर. एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सीधा मेरी बात या किसी की भी बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है. सो आई विल ऐड दिस स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड दिस टेक्स द 15th पोजीशन, दैट इज ऑल्सो अ लास्ट पोजीशन इन आर लिस्ट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्ट्रैटेजी अस्मिता पटेल की स्ट्रैटेजी को बीट कर सकता है इस मामले में, बट दिस स्ट्रैटेजी डिड इट. यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक. सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाई सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा. और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक डाल दूंगा. हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो. और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है. आपको ये वाला वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको चेकआउट करके आपको ये मिल जाएगा. प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज में, ये भी जरूर बताना. आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोज भी देख सकते हो. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज फॉलो एंड शो योर सपोर्ट. मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे. सो सी यू next time.